अपना यहां पर जब मैं आया तो मेरे को ये जानकारी नहीं थी कि इतना अच्छा कार्यक्रम हो रहा है यहाँ पर। मैं जल विहार बारे में सुनता था हर बार कि मऊरानीपुर में जल विहार का कार्यक्रम हर साल होता है, लेकिन इस साल मेरे को आने का मौका मिला और इसे देखकर कार्यक्रम बृहद रूप देखकर मैं दंग रह गया कि बहुत ही अच्छा आयोजन करते हैं आप सब लोग। तो यहाँ जो नगर पालिका है इसकी मेन आयोजक और जो पूरा आयोजक मंडल है उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ मैं इतना अच्छा आयोजन करने के लिए। बहुत बहुत बधाई हो आयोजन कमेटी को। मंच पर मेरे साथ पधारे हमारे ललितपुर के विधायक जी, हमारे बड़े भाई माननीय रामरतन कुशवाहा जी, हमारे मऊरानीपुर के विधायक हमारे और हमारे झांसी जिले के जिलाध्यक्ष हमारे जमुना कुशवाहा जी और इस आयोजक मंडल ने मेन जो सहयोग किया है नगर पालिका परिषद के अलावा उसमें राकेश सेठिया जी, मनीष सेठिया जी, महेश लंबरदार, संजय परासिया जी और श्रीमती रामरति सेठिया जी, इनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत अच्छा आयोजन किया उन्होंने। अब ज्यादा समय मैं नहीं लूंगा आपका, लेकिन बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि बहुत अच्छा आयोजन किया है आप लोगों ने। 151वां आयोजन है यहाँ पर और मैं तो चाहता हूँ कि ऐसे आयोजन हर जगह होते, हर जनपद क्षेत्र में ऐसे आयोजन होते रहने चाहिए। जिस तरीके से यहाँ आयोजन हो रहा है ऐसी भव्यता देखकर मैंने पहले नहीं सोचा था कि ऐसा होगा, लेकिन आप सबने बहुत अच्छा आयोजन किया। हमारी बुआ माननीय उमा भारती जी, आप सबकी दीदी, काफी लंबे समय पर यहाँ सबको आशीर्वाद देती रही हैं। हमेशा इस क्षेत्र में उनका आशीर्वाद बने रहेगा। हम लोग पिछले वर्ष भी तैयारी में थे कि बुआ यहाँ पर आएंगे, लेकिन किसी कारणवश नहीं आ पाएंगे बुआ, लेकिन हम लोग हजार कोशिश करेंगे कि बुआ किसी न किसी साल यहाँ जरूर आए और आप सबको अपना आशीर्वाद दें। उन्होंने इस पूरे लोकसभा क्षेत्र में, अपने संसदीय क्षेत्र में बहुत सारे काम किए हैं, बहुत उनका आशीर्वाद रहा है इस क्षेत्र में और धीरे धीरे आप सबको यहाँ पर उसकी जानकारी होती जाएगी, क्योंकि नेता जब पावर में रहते हैं तब तो काम कराने का समय होता है, लेकिन काम जब फलीभूत होता है तो उसमें थोड़ा समय लगता है। तो धीरे धीरे उनके किए हुए काम दिखने लगे हैं अब। और हम लोगों ने भी बहुत प्रयास किया था इस बार लोकसभा के चुनाव के पहले, हम सब लोग दिल्ली में बहुत दिनों तक पड़े रहे कि बुआ को हम लोग मनाते रहे कि बुआ ने चुनाव लड़ लीजिए इस बार, लेकिन किसी कारणवश परिस्थितियों को देखते हुए और तबीयत भी ठीक नहीं थी, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि मैं कुछ समय के लिए राजनीति में गैर ले रही हूँ ताकि मेरा स्वास्थ्य सही हो जाए और उसके बाद पूरे जोश खरोश के साथ दोबारा राजनीति में आऊंगी और आप सबको आशीर्वाद दूंगी, अपने क्षेत्र के विकास में पूरा सहयोग करूंगी। तो उनके आशीर्वाद से ही हम सब विधायक बने हैं। मैं भी पहली बार विधायक बना खड़गापुर से, हम सब हमारे कुशवाहा जी वो भी पहली बार विधायक बने हैं ललितपुर से, मेरे को भी मौका मिला अपने खड़गापुर विधानसभा की सेवा करने के लिए और आप सबका ऐसा ही आशीर्वाद और प्यार मेरे साथ अगर बना रहा तो हम लोग खूब सेवा करेंगे अपने क्षेत्र की और खूब अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाएंगे, अपने क्षेत्र का खूब विकास करेंगे। हमारे मऊरानीपुर विधायक जी बिहारी लाल जी ने जो बताया कि उसको मऊरानीपुर को अलग जिला बनाएंगे, बहुत अच्छी सोच है उनकी, बहुत अच्छे विचार है और मेरे ख्याल से जिला बनना भी चाहिए क्योंकि झांसी जिला बहुत बड़ा है और मऊरानीपुर का क्षेत्र बहुत बड़ा है, बहुत दूर दूर तक मऊरानीपुर का क्षेत्र लगा है। तो मैं तो चाहता हूँ कि मऊरानीपुर जिला बने, हम लोग से भी जो सहयोग हो पाएगा उसको जिला बनाने में हम लोग पूरा सहयोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, इतनी संख्या विशाल संख्या में आप सब लोग पधारे हैं, क्योंकि ये सांस्कृतिक कार्यक्रम है इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा आप लोग का, क्योंकि आप लोगों को रहेगा कि हम लोग ये इस मंच का दुरुपयोग कर रहे हैं तो हम लोग दुरुपयोग न करके उसका सदुपयोग करते हुए इतनी संख्या में यहाँ पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद विधायक जी हमारे बीच में।
ललितपुर के यशस्वी विधायक यहाँ पर मौजूद हैं।